इंद्र ने एक अप्सरा भेजी मार्कंडेय गोसाई, ऋषि मार्कंडेय गोसाई की, जो ना तपस्या को भंग कराने के लिए। उस उर्वशी ने बहुत सुंदर हार श्रृंगार किया, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सुगंधित लेप किया और वहाँ मार्कंडेय ऋषि जहाँ बैठे तप कर रहे थे उसके सामने डांस करने लगी और अपनी सिद्धि से वहाँ एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया, बहुत सुंदर, ना गर्मी ना ठंड सर्दी रही, बसंत जैसा मौसम बना दिया और वहाँ डांस करने लगी। जब मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, उसको आकर्षित नहीं हुआ तो निवस्त्र होगी वह बिल्कुल। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहाँ किस कारण आई, अपना उद्देश्य बता। तब उर्वशी ने शर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा कि हे मार्कंडेय गोसाई, आपकी समाधि, आपकी ध्यान, आपकी समाधि कौन से लोक में रहती है, मैं नहीं समझ सकी। मेरे इस स्वरूप को देखकर ये बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी का जो है तप खंड हो गया मेरे देखने मात्र से, और आपने ऐसी कहाँ समाधि लगा रखी थी। समाधि मीन मेडिटेशन, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं, कि आपका ध्यान कहाँ गया हुआ था, आंखें खुली हुई थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज, और मेरी जहाँ समाधि थी, समाधि क्या होती है, जैसे एक दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी, वो दूरबीन की रेंज होती है, ये भक्ति की शक्ति से हमारे अंतःकरण में वो व्यवस्थित हो जाती है, जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही हमारी समाधि की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो समाधि में जैसे आंखें यहाँ खोलो या बंद रखें, ध्यान हमारा कहीं और पहुँच जाता है, जैसे हम कहीं गए हों, कभी देखा हो कोई स्थान, हम यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली हैं, हमारा ध्यान वहाँ पहुँच जाता है, उस गांव में, नगर में, रिश्तेदारी में और उन मकानों में घूम आता है, कहाँ बैठा था, किससे बातें की थी, ऐसे ये ध्यान है। तो ये तो एक वैसे ध्यान है, मन घूम आया। एक ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ बैठा ऊपर के लोगों को या दूर देश में यहाँ पर भी वो देख सकता है कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, और ऐसे यहाँ बैठा उसकी आत्मा, वो समाधि बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाती है। तो उसने बताया कि मेरी समाधि, मैं जहाँ मेरा ध्यान गया हुआ था, जहाँ मैं नाच देख रहा था। अपुण आत्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सी जो है ना आपको ज्ञान बताने पड़ेंगे, बहुत सी जो है प्रमाण देने पड़ेंगे। अब समाधि कैसे लाई जा सकती है, समाधि के लिए जैसे समाधि लगा कर कहते हैं ना भजन करें और कई वर्षों तक बैठा रहा, कई कई घंटे बैठा रहता है, तो उसमें ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं और अभ्यास हठ योग से करते करते कोई चैनल उसकी पिछली पुण्य कमाई से कोई चैनल ऑन हो गया, यानी कोई कमल खुल गया, उसमें वो आत्मा उसका प्रवेश कर गया। शरीर यहीं पर है, वो अपने ही शरीर में अंदर से ही उस टीवी पर देखता देखता अंदर घुस जाता है और उस कमल में, यानी जैसे
गणेश जी के कमल में, मूल कमल में प्रवेश हो गया, उसके लोक में समाधि पहुंच गई ऑटोमेटिकली। और वहां जो हो रहे हैं नाच गाने, कोई भी क्रिया, किसी प्रकार का कोई राज का पाठ का कोई व्यवस्था, गण हैं वह बैठे हैं बातें कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे इस लोक में चल रहा है, ऐसे वो देखता रहता है। उसको पता ही नहीं होता तू यहाँ बैठा है कितनी देर होगी, नहीं तो बैठ नहीं सकता, ये मन एक मिनट भी ना बैठने दे, दस मिनट में कोई इनको मरोड़ी लगा देगा, चल वहाँ चलते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे फिल्म देखते हैं, 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे का पता नहीं लगता देखनिया ने, यदि उनके अनुकूल हो तब। तो इसी प्रकार ये अंदर एक फिल्म देखते रहते हैं और इस कारण से ये काफ़ी वर्षों तक न्यू बैठा करते, और उस बैठे रहने से इनको तप बन जाता है, और कभी याद आ जाता है तो ये मंत्र का जाप भी करते हैं। इन दोनों का मिला जुला जो संयोग है इनको स्वर्ग में प्राप्त होता है। जिसने ज़्यादा समाधि मेडिटेशन यानी हठ योग किया, तप किया, तो उसको इंद्र बना दिया जाता है, स्वर्ग का राजा भी बन जाता है। ओम नाम का जाप साथ में ये हठ योग करने वाले पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक के बाद फिर ये पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करते हैं, और उसके बाद 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि कह रहा कि मेरी समाधि जहाँ पर थी, अर्थात मैं जहाँ नाच गाने देख रहा था ब्रह्मलोक में, वहाँ नाचने वाली अप्सराओं की तेरे जैसी तो वहाँ 7-7 नौकरानी थी, 7, उनके पैर धोने वाली, तो मैं तो उनके डांस देख रहा था, और तेरे ते कोई सुंदर और हो उसने भेज। तो वो कहती है कि मैं इंद्र की रानी मैं ही हूँ, पटरानी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, और आप एक बार स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में चलो, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मुझे धिक्कारेंगे, मेरी आप एक बार वहाँ चलो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्रों को वरूंगी। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल से परिचित हो अच्छी तरह, वो पुण्यात्मा जो वहाँ पटरानी बनी है स्वर्ग के राजा की, उस पुण्यात्मा ने कितने साधना की यहाँ की, कितने जबरदस्त साधना की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त की। कहती है 14 इंद्र वरूंगी मैं और फिर मरूंगी, एक इंद्र का शासनकाल, 72 चतुर्युगी, 72, ये जो चतुर्युगी किसे कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का जो पीरियड है इसको चतुर्युगी कहते हैं। ये कितना होता है, 43,20,000 वर्ष, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का, और एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग, 72। और वो कहती कि मैं ऐसे ऐसे जो 72 चतुर्युग तक राज करेंगे, फिर ये इंद्र तो मर जाएगा जो वर्तमान में है, ये तो गधे की योनि में जाएगा, उसके बाद दूसरा जिसने तप कर रखा है वो रिजर्व है, उसको फिर बैठा दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में है वो इंद्र का, स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाएगा, इंद्र की पदवी पावेगा, फिर बेहतर चौकड़ी युग पूरा करके वो भी मर जाएगा। ऐसे 14 इंद्र मरेंगे, अपना शासनकाल पूरा करेंगे, तब तक मैं प्रत्येक इंद्र के साथ
उस स्वर्ग में आनंद लेती रहूंगी, उनकी पत्नी बनी रहूंगी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस बात का निर्णय दिया है। मार्कंडेय ऋषि की कथा के माध्यम से कि मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि मुझे तू उस स्वर्ग लोक में किस लिए ले जावे थी इंद्र के लोक में। इंद्र की पटरानी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, ये नहीं तो मुझे मेरी मजाक करेंगे और कहेंगे तू हार के आ गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि 14 इंद्र करेगी, वो 14 भी मरेंगे, फिर क्या करेगी, यानी मृत्यु तो तेरी फिर भी होगी। फिर वो कहने लगी जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी अपना ये स्वर्ग का समय पूरा करके। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर गधियां कह इज्जत की सी, जब तू खुद कह रही तू अब जिंदा जी गधी क्योंकि 14 खसम करेगी और फिर भी इज्जत का ठेका ले रही, देख मन के किसी खोटे काम है, और फिर भी इज्जतदार कहलाती है 14 खसम करेगी, 14 इंद्र भोगेगी और फिर क्या बनेगी, फिर गधी, आज भी गधी है तू बनने से पहले। इतने में इंद्र आ गया, जो पता लग गया कि मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुआ, इंद्र ने आकर कहा कि हे महाराज, हे बंद निवास, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र तू क्या कहता है, ये इंद्र की गद्दी मेरे किससे काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे इंद्र का राज। और उसको समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि इंद्र अब तुझे मालूम है कि बेहतर चौकड़ी युग पूरा करके तेरी मृत्यु होगी, तेरा शासन काल पूरा होगा और उसके बाद तू गधा बनेगा। आजा मैं तुझे एक ऐसा मार्ग बताऊंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, तू अमर हो जाएगा तो फिर तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता दूं। अब मार्कंडेय ऋषि जी को केवल ब्रह्मलोक ही सबसे बड़ा लास्ट दिखे था, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती माने बार बार जन्म मृत्यु होती है, इसको महास्वर्ग भी बोलते हैं, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी अपने पुनों को समाप्त करके, पुनों के अक्षीण होने पर वो फिर इस मृत लोक में आते हैं, नरक में भी जाते हैं, लेकिन उनका पीरियड ज्यादा होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर भी इस बात पर निर्भर करती है कि जिसने अधिक साधना कर रखी है, ओम नाम की या गवन किए हैं, तो उसका शासनकाल एक ब्रह्मा की मृत्यु तक भी रह जाता है, प्रत्येक का नहीं विशेष का। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि वहां जाने के बाद 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय होती है इस एक ब्रह्मांड की, 36,000 बार तब तक वहां रहा जा सकता है ब्रह्मलोक में, लेकिन मृत्यु फिर भी होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आकर हमें यह ज्ञान दिया है, स्वयं ही आकर हमें यह ज्ञान बताया है कि इस जन्म मृत्यु के रोग से छूटने के लिए आप जी को मेरे द्वारा यानी कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई साधना का अनुसरण और उसका पालन करना होगा, फिर तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे।